MIUI 12.5। काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फाइनली काफी लंबे समय इंतजारों के करने के बाद यहाँ पे फाइनली ग्लोबल लॉन्च इवेंट रखा गया है MIUI 12.5 का। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बना के बता दी थी, इतने तारीख को इसका इवेंट रखा गया, मतलब कल का ही दिन है MIUI 12.5 लॉन्च हो जाएगा ग्लोबल के अंदर MIUI 12.5 का। तो मैं बताने वाला हूँ MIUI 12.5 की डिवाइस लिस्ट और MIUI 12.5 का लॉन्च होगा क्या, हमें कल से ही अपडेट देखने को मिल जाएगा और कितने बजे इसका इवेंट रखा गया MIUI 12.5 का, और साथ ही साथ MIUI 12.5 में टेस्ट करने के लिए अपडेट किस किस डिवाइसों को देखने को मिला है। जैसे पिछले साल मिला था कई डिवाइसों को टेस्ट करने के लिए जो फॉर्म भरते हैं, उनमें कौन कौन से डिवाइस शामिल है जिस जो फॉर्म भर सकते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहिएगा। और चैनल पे पहली बार आए और MIUI 12.5 की सारी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 200 लाइक करा देता हूँ, ज्यादा तो रखते नहीं यार, कर दो यार 200 कर दो, कल तो लॉन्च हो रहा है यार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पे MIUI 12.5 की लॉन्च डेट की। और यहाँ पे देखते हैं लॉन्च डेट, तो आपको पता ही है 8 फरवरी को इसकी लॉन्च इवेंट रखेगी है MIUI 12.5 की लॉन्च इवेंट। ये एक ग्लोबल लॉन्च इवेंट है, लेकिन इस ग्लोबल को आप इंडिया मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो MIUI 12.5 लॉन्च होता है ग्लोबल के अंदर, तो वहां से MIUI 12.5 जब लॉन्च होता है तो इंडिया के अंदर भी उसकी टेस्टिंग चलती है। इसके टाइम क्या रखा गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखते हैं 8 फरवरी इसका 8 GMT लिखा हुआ प्लस, तो मैंने इसको कन्वर्ट करके देखा तो इंडिया में इसकी टाइमिंग आ रही थी 1 बजे के अराउंड, ये दोपहर के अंदर इसकी लॉन्च इवेंट को चालू किया जाएगा और आधे एक घंटे भाषण चलेगा, उसके बाद ये आपको लॉन्च देखने को मिल जाएगा तो MIUI 12.5 का। अब ये एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे कई लोग सोच रहे हैं कि MIUI 12.5 कल लॉन्च हो जाएगा तो कल ही हमें अपडेट देखने को मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कल MIUI 12.5 को अनाउंस किया जाएगा ना कि लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, अनाउंस किया जाएगा, सारे फीचर बताए जाएंगे और कब तक अपडेट देखने को मिलेंगे वो आपको कल पता लगेगा क्योंकि उसमें शेड्यूल बताया जाएगा और जो भी ऑफिशियली डिवाइस लिस्ट होगी वो कल आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ये भी 100% कन्फर्म है, लेकिन कल आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एलिजिबल डिवाइस देख लीजिए, इंडिया का इवेंट एक अलग होगा लेकिन ग्लोबल को इंडिया मान सकते हैं क्योंकि टेस्टिंग तो इंडिया में भी चालू कर देते हैं ग्लोबल के साथ ही, तो काफी अच्छी बात है। ग्लोबल लॉन्च है तो 15 दिन बाद इंडिया में भी हो जाएगा, 15 से 20 दिन बाद जब भी कोई उसका मोबाइल लॉन्च होता है, ठीक है, वैसे इंडिया का मान सकते हैं क्योंकि टेस्टिंग में फॉर्म आ चुके हैं इंडिया के डिवाइस के नाम भी, जो फॉर्म भरेगा इंडिया वाले भी अपडेट ले सकते हैं, ये बात मैं बता दूं, अभी आगे बताऊंगा आपको पूरे डिटेल में। तो जैसे कि देख सकते हैं MIUI 12.5 एलिजिबल डिवाइस जिसमें MI सीरीज के नाम है, जैसे कि Mi 10, Mi 10 ये सारे डिवाइस नाम है, तो Mi सीरीज बहुत कम लॉन्च हुई है तो इसके बारे में हम बात नहीं करते। यहाँ पर Redmi सीरीज, Redmi 7A, Redmi 8A, Redmi 8A ड्यूल, Redmi 8A, Redmi 9A, Redmi 9i, Redmi 9, Redmi 9 इंडिया, Redmi 9 प्राइम, Redmi 9 10 4X जो ग्लोबल में कई डिवाइस लॉन्च हुए, Redmi Note 7, 7S, 7 Pro तीनों का नाम है, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro इंडिया, Redmi Note 9 Pro ग्लोबल Max, ये सारे नाम यहाँ पे हैं, Redmi K20, Redmi K20 Pro, ये आप वीडियो पॉज करके देख लेना यार, बहुत टाइम लग रहा है। और Poco का नाम देख सकते हैं, Poco F1, Poco F2 Pro, Poco X2 और Poco X3, Poco X3 NFC, Poco M2 Pro और Poco M2, Poco C3 और Poco M3। कल आपको ऑफिशियली पता लग जाएगा, कल एक डिटेल में वीडियो आएगी, उसके लिए चैनल पे स्टे ट्यून करना। अब मैं बताता हूँ किन किन के लिए डिवाइसों के लिए टेस्टिंग की जाएगी, जिसमें कि बुरी की बात है कि हमारे Redmi Note 7 सीरीज की टेस्टिंग नहीं की जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि उनको अपडेट नहीं देखने को मिलेगा, तो ये एक इनकी फॉर्म आ चुकी है, यहाँ से आप अप्लाई करके फॉर्म भर सकते हैं, आपको जैसे ही फॉर्म भरेंगे अगर आप सिलेक्ट हुए तो आपको MIUI 12.5 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो कल जो लॉन्च होएगा तो उसमें आपको अपडेट नहीं मिलेगा, सिर्फ बताया जाएगा, फीचर बताए जाएंगे और अनाउंसमेंट होंगी, यही सब कुछ होगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं जिन डिवाइसों की टेस्टिंग होगी, इंडिया वाले डिवाइसों का भी नाम है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, अभी फॉर्म ओपन है, 1 मार्च से पहले पहले आपको ये फॉर्म भर लेना है, ठीक है, हमारे टेलीग्राम के डिस्कस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जो भी फॉर्म भरेगा उनको टेस्ट करने के लिए वो अपडेट देखने और उस टेस्टिंग में शामिल कौन है देख सकते हैं, हमारा Mi 10T, Redmi MI 10T Pro, MI 9T, Redmi K20, MI Note 10, MI 9SE, Redmi Note T, ठीक है, MI 10i भी मैंने तो फॉर्म भर दिया MI 10i का, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9, Redmi 9, Redmi 9 Prime, Redmi 9C, 9C, 9A, Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi 9T। तो ये इन डिवाइसों के लिए टेस्टिंग के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, उनको टेस्ट करने के लिए दिया जाएगा अगर वो सिलेक्ट होते हैं। 1 मार्च से पहले पहले इसका फॉर्म भरने की डेट है, 1 मार्च के बाद ही ये अपडेट देखने को मिलेगा, मतलब सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए। स्टेबल में शायद तक अप्रैल से चालू होगा क्योंकि चाइना में जब अप्रैल से चालू हो रहा है स्टेबल पब्लिक के अंदर, तो इंडिया के अंदर भी अप्रैल के बाद ही या अप्रैल के मिड तक ये चालू होगा।
और इस टेस्टिंग में Redmi Note 7 सीरीज का नाम नहीं है, तो डरने वाली बात नहीं, उनको बिना टेस्टिंग के अपडेट देखने को मिलेगा, जैसे कि Redmi Note 5 Pro को बिना टेस्टिंग के मिला था MIUI 12 का, बस डिले देखने को मिलेगा स्टेबल अपडेट Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro या जिनका भी नाम नहीं है। तो आई होप आपको पता लग चुका होगा, कल एक डिटेल में वीडियो आ जाएगी MIUI 12.5 जैसे ही लॉन्च होगा, तो उस के लिए स्टे ट्यून करना, सारा कुछ ऑफिशियली पता लग जाएगा, कब तक देखने को मिलेगा, सारे फीचर आपको पता लग जाएंगे। तो ये आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि कल आपको अपडेट नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ अनाउंसमेंट की जाएगी और वहाँ पे शेड्यूल बताया जाएगा। तो कल लॉन्च हुआ और इंडिया में 15 से 20 दिन के बाद शायद तक लॉन्च हो जाएगा, वैसे तो इंडिया वाला ग्लोबल मान सकते हैं, बट उनको लॉन्च करना है, फीचर बताना है, भाषण करने हैं, तो वो तो होएगा ही होएगा, ठीक है। तो ग्लोबल लॉन्च हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद इंडिया भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई, सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर एंड गुड बाय।